अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ यखनी पुलाव, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमें बीफ यखनी पुलाव के लिए सबसे पहले यखनी तैयार करनी है। तो यखनी के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन हाफ के जी, ये मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, ये हड्डी वाला गोश्त है, तो आप चाहें बोनलेस भी ले सकते हैं। हमें चाहिए होगा जी काली मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, नमक आप हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ करूँगी। कुटा बारीक दरदरा पिसा हुआ हमें धनिया चाहिए होगा 1.5 टीस्पून। दरमियाने साइज की हमें प्याज चाहिए होगी, जिसको हम कुछ इस तरह से काट लेंगे, 4 हिस्सों में इसको तकसीम कर लेंगे। ये तेज पात 3 से 4 अदद ये पत्ते चाहिए होंगे। दारचीनी का तकरीबन एक बड़ा टुकड़ा ले लेंगे हम। हमें 6 से 7 अदद लौंग चाहिए होंगे, 3 हम सब्ज़ इलायची रख लेंगे और 2 अदद हम बड़ी इलायची रख लेंगे। अदरक का दरमियाना सा टुकड़ा और लहसुन हम साबत तकरीबन दरमियाना इसमें डाल देंगे। तो चले अब हम इसको फाइनली प्रेशर कुकर में डाल के बनाते हैं। प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे गोश्त, इसका प्याज गया इसमें, अदरक भी डाल दें, लहसुन भी डाल दें और बाकी जितने भी मसाले हैं आप उनको एक पोटली बनाकर इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी मैंने बॉईल करके रखा हुआ है पहले से। ये पानी हमें चाहिए होगा यखनी के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले वाली पोटली। प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। बंद करके हम इसको तकरीबन आधा घंटा सीटी चलाएंगे ताकि ये हमारी यखनी अच्छे से तैयार हो जाए। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका है इसको। अब हम कुकर को खोल लेते हैं। ये देखिए, हम यखनी का जो पानी है उसको अलग कर लेंगे और बीफ को अलग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा गोश्त गल चुका है और अब हम इसको अलग कर लेते हैं। देखिए व्यूवर्स, मैंने यखनी को अलग कर दिया है और यहाँ पे बीफ को मैंने अलग कर दिया है। चावल मैंने लिए हैं 1 किलो और इनको अच्छी तरह से धो के मैंने पानी में भिगो के 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब पुलाव के लिए हमें जो चाहिए होगा वो मैं यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। 3 से 4 अदद मुझे चाहिए होंगे आलू बुखारे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मुझे चाहिए होगी इमली, 3 से 4 मुझे साबुत हरी मिर्च चाहिए होंगी और 1 मिर्च को मैंने बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है, 1 कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही चाहिए होगा, 2 टेबल स्पून दो दो टेबल स्पून हमें चाहिए होंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हमें चाहिए होगा जायफल और जायत्री, तकरीबन 1 कप हमें चाहिए होगा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कुटी लाल मिर्च, नमक आप हसबे जायका यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी यखनी में भी डाला हुआ है। हमें कुछ गरम मसाले चाहिए होंगे जिसमें 2 से 3 तेज़पात हैं, दारचीनी है 2 से 3, हमने इसकी स्टिक्स ले ली हैं, 2 यहाँ पे हमने ली हैं सब्ज़ इलायची, 2 हमने ली हैं बड़ी इलायची, कुछ हमने ले लिए हैं तकरीबन 6 से 7 लौंग, 1 टीस्पून हमने ली है यहाँ पे काली मिर्च और 1 ही टीस्पून हमने लिया है यहाँ पे जीरा। इमली को हम भिगो देते हैं ताकि हम इसका पल्प बना सकें। हम ये यखनी बीफ पुलाव बनाएंगे आज प्रेशर कुकर में। इसके लिए मैं 1 कप यहाँ पे यूज़ करूँगी ऑलिव ऑयल। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाले। उसी के साथ हम डाल देंगे प्याज और चला देंगे
समझा। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी भून लेंगे इसके साथ और हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हो गया प्याज हमारा ब्राउन। अब इसमें जाएगी जो यखनी हमने निकाल के रखी थी, यखनी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। ताकि ये मज़ीद ना जले और अच्छी तरह से पक जाए। आप चाहें तो सादा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यखनी जो है वो काफ़ी है, इसलिए मैं इसमें यखनी ही यूज़ कर रही हूँ। इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी और डाल रहे हैं, मैं और डाल इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी और यखनी डाल दें, मैं इसमें थोड़ी सी यखनी और डाल रही हूँ। स्मेल्स रियली नाइस। आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमने बारीक कटी हुई थी हरी मिर्च। और ऐड कर देंगे बीफ, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट तक भून लेंगे इसको। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त 2 मिनट तक भून चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही डालकर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। एक मिनट दही में इसको पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। व्यूअर्स, नमक मैं इसमें इसलिए कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी तो उस पॉइंट में मैं जाके इसका चेक कर लूँगी कि अगर हमें और ज़रूरत होगा तो हम ऐड कर देंगे। इसको भून लें अच्छी तरह से। वाओ व्यूअर्स, इट लुक्स वेरी नाइस। और खुशबू का तो पूछें ही मत। व्यूअर्स, अब हम डालते हैं इसमें अपनी हरी मिर्च, ऐड कर देते हैं जायफल जायत्री। अब बारी है पानी की। पानी जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 लीटर, क्योंकि मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो पानी मैं इसमें कम रखूँगी। साथ ही हम ऐड कर देंगे आलू बुखारा और अब हम फाइनली इसमें ऐड करेंगे चावल। तो जी व्यूवर्स, चावल हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको एक उबाल आने तक हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे।
व्यूवर्स, इसमें एक उबाल आ गया है। इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं कि इसमें नमक ठीक है या नहीं है। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर देती हूँ। व्यूवर्स, हमारे चावलों का उबाल आ चुका है और अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। बस ये व्यूवर्स, हमने इस पे लगा दिया है ढक्कन। फ्लेम को कर देते हैं मीडियम लो और पका लेंगे इसको हम 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। देखिए, हमने 15 मिनट के बाद कुकर को बंद कर दिया है और फ्लेम को चूंकि हमने आहिस्ता किया हुआ था, अब हम इसको खोलने जा रहे हैं। हमारा बीफ यखनी पुलाव तैयार है। जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जबरदस्त बनता है। और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।